स्वागत है आपका पूछो तो जाने में। और आज का प्रश्न ये है कि वर्ल्ड कप को स्टार्ट हुए 6 दिन बीत गए हैं, मगर उसके इर्द गिर्द कोई भी बज, उत्साह, रोमांच क्यों नहीं है? कहाँ कहाँ गया? मेरे इसके 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 है कि आज के समय में कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो जहाँ पहले एक सामूहिक कार्य था, एक ग्रुप एक्टिविटी थी, अब वो एक निजी कार्य बन गया है, एक पर्सनल एक्टिविटी बन गई है। पिछली बार आपने अपने फैमिली के साथ बैठकर कोई भी नई फिल्म का एल्बम कब सुना था? पहले जब भी कोई नई फिल्म आती और उसका म्यूज़िक आता, तो उसकी कैसेट या सीडी हम अपने घर पे लाते और घर पे जो भी हमारा और उस पे सब लोग साथ बैठकर सुनते और फिर उसको जज करते कि कौन सा गाना अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। आज क्या हुआ है, जो म्यूज़िक की कंपनीज हैं वो नेट पर गाना डालती हैं, यूट्यूब पर गाना आता है और अपने फ़ोन पर हेडफोन्स के साथ हम वो गाना सुनते हैं। और यही चीज़ हर क्षेत्र में हुई है। ड्रामा आप लीजिए, आप टीवी सीरियल लीजिए, वो अब बहुत हद तक इस पे नेट पे आ गया है। और स्पोर्ट्स भी बहुत हद तक अब लोग अपने फ़ोन पर स्ट्रीम करके या फ़ोन से ही अपडेट लेकर संतुष्ट हैं। पहले क्या था, पहले आप अपने घर में ड्राइंग रूम में जो एक टीवी होता घर में, सब लोग उसके पास बैठकर मैच देखते। अब आप अपने फ़ोन पर ही उसका अपडेट लेते हैं। कहने की बात यह है कि ग्रुप एक्टिविटी जो होती है, इवेंट वही बनती है, पर्सनल एक्ट जो होती है वो इवेंट नहीं बनती। और उत्साह, रोमांच, एक्साइटमेंट ये खाली एक ग्रुप एक्टिविटी के साथ ही जुड़ता है, एक पर्सनल एक्सरसाइज के साथ ये नहीं जुड़ता है। आप जो अपने घर में रोज़ पूजा करते हैं, उसके वो बस आपकी रोज़ की पूजा है, मगर जब नवरात्र में पंडाल लगता है जहाँ सब लोग आते हैं, या जब होलिका दहन होता है जहाँ पे सब लोग आते हैं, वो एक उसके इर्द गिर्द उत्साह होता है, उसके लिए लोग वेट करते हैं, उसका एक अपना रोमांच होता है। नंबर 2, जहाँ क्रिकेट पहले एक बैट और बॉल के बीच का कॉन्टेस्ट था, अब वहीं वो खाली एक बैट और बैट के बीच का, केवल बल्ले और बल्ले के बीच का गेम बनकर रह गया है। पिचेस खासकर बैट्समैन को फेवर करती हुई, फील्डिंग के नए नियम, स्ट्रिक्ट नियम, फील्ड के छोटे होते साइज, बैट्स के बढ़ते साइज, इन सब ने बॉलर को एकदम हाशिए पर ले आए हैं गेम के। अगर इससे गेम ज़्यादा दिलचस्प बनता तो ये ठीक था, मगर क्या हुआ है, आपने खाली एवरेज स्कोर बढ़ाया है, बाकी गेम में कोई फर्क नहीं है। जहां पहले 260 और 280 होता एवरेज स्कोर, वहीं अब 310 और 320 है। पहले बॉलर भी गेम के हिस्सा थे, अब वो हाशिए पर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हर गेम में होता है, मगर ज़्यादातर गेम्स में ये होता है। इस पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर हर गेम में 310, 320 रन बनेंगे तो कोई भी गेम खास नहीं रहेगा, कोई भी गेम स्पेशल नहीं रहेगा। आपको याद है 2002 का नॉर्थवेस्ट फाइनल, 325 रन चेज करे थे भारत ने,
आज अगर वही स्कोर चेज होगा तो आप कहेंगे खैर ठीक है 320 चेज करे, कौन सा बहुत बड़ा स्कोर चेज करा। जब हर मैच स्पेशल होगा तो कोई भी मैच स्पेशल नहीं होगा। नंबर 3, आज की जो भारतीय टीम है उससे मेरा ये मानना है कि दर्शकों का एक पर्सनल जुड़ाव नहीं है जो पहले की जो टीम थी उसके साथ था। सचिन, द्रविड़, सहवाग, लक्ष्मण, गांगुली, कुंबले, भज्जी, जब ये टीम जाती थी फील्ड पे तो इनसे एक आपका पर्सनल कनेक्ट था। जितनी बार स्टीव बकनर ने सचिन को गलत आउट दिया है मेरा मन करता टीवी में घुस के उसको मारूं। मगर आज जब कोई गलत आउट देता है कोई भारतीय बैट्समैन को तो मुझे दुख होता है मगर और कुछ नहीं। भारतीय टीम जब आज जीतती है तो मुझे खुशी होती है, हारती है तो भी दुख होता है मगर इससे ज्यादा नहीं कुछ होता। तो ये थे मेरे 3 कारण कि वर्ल्ड कप जारी है मगर कोई भी बज नहीं है और कोई उत्साह नहीं है उसके इर्द गिर्द। और भी हैं कारण, जैसे कि आज 6 दिन से टूर्नामेंट चालू है मगर भारत का एक भी गेम नहीं हुआ है, और वर्ल्ड कप के पहले और वर्ल्ड कप के बाद भी इतने सारे मैचेस हैं कि आदमी कहां कहां ध्यान दे, कहां कहां अपना कंसर्न दिखाए, कितने मैचेस देख ले आदमी। मगर जो मेरे 3 मेन कारण थे वो वही थे और आज के लिए यही था। आप मुझसे सहमत है या नहीं ये आप प्लीज़ कमेंट में इसका जिक्र करिएगा, और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो बाय चांस तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़। आपसे फिर भेंट होगी बहुत जल्द।